नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फो मीडियम में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC द्वारा जारी किए गए PET के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम PET की फुल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2021 के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आपका आवेदन भरने के प्रारंभिक तिथि है आपकी 25/5/2021 और इसके फीस जमा करने की प्रारंभिक तिथि है आपका 25/5/2021। आवेदन की अंतिम तिथि है आपका 21/6/2021। यदि आपने कोई फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो आवेदन को संशोधित करने की अंतिम तिथि है आपकी 28/6/2021। फीस जमा करने की अंतिम तिथि है आपका 21/6/2021। इस फॉर्म का आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा, इसका कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। इसके आधार पर आयोग द्वारा यदि कोई वैकेंसी निकाली जा रही है तो आपका PET के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर आपका मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पद आपके ग्रुप सी के पद इसके अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं। वेतन की बात करते हैं तो आपका 1900 ग्रेड पे से लेकर आपका 4600 ग्रेड पे के मध्य आने वाले समस्त पद इसके अंतर्गत आते हैं और इसका आपका वेतन 5200 से आपका 34800 के मध्य होगा। बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो इसकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET परीक्षा में आप फॉर्म भरने के लिए हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थी यह फॉर्म आपका भर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। परीक्षा की तिथि यानी कि PET की परीक्षा कब होगी इसकी अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। PET परीक्षा पास करने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा वह स्कोर कार्ड आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदक को सर्वप्रथम आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोटो व साइन अपलोड करनी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो 6 माह के से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो व साइन अपलोड करने के बाद आपको अन्य विवरण भरने होंगे और आपका अंत में ऑनलाइन या चालान के माध्यम से आपको फीस सबमिट करनी होगी। इस प्रकार आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और अब आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आपका जनरल व OBC के लिए 185 रुपीस है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 95 रुपीस है और विकलांगों के लिए आपका 25 रुपीस है। अब हम बात करते हैं कि PET की प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी, इसका सिलेबस क्या है और यह कितने घंटों का पेपर होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहेगी इसमें 100 और यह पेपर आपका 2 घंटे का होगा और यह 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर में आएगा। इसमें आपके टॉपिक जो आएंगे वह है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल और आपका सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य और उसके बाद के सारे टॉपिक आपके इतिहास के अंतर्गत आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक के अंतर्गत आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसके आगे आपका भारतीय संविधान व लोक प्रशासन से भी आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन शामिल हैं।
आगे बात करते हैं तो प्रारंभिक अंकगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह ए भी 5 नंबर का पेपर आएगा। इसमें आपका पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घात, औसत, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपके आगे बात करते हैं तो इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आपका इसके आगे 5 नंबर में आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर में आपके समसामयिकी यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका यह 10 नंबर का पेपर में आएगा। इसके अंतर्गत आपके बहुत से टॉपिक हैं जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और बहुत से टॉपिक हैं जो आपके इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और अंत में आपका आएगा अपठित हिंदी गद्यांश जो 10 नंबर में आएगा और आपके इसके अंतर्गत 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। इसके आगे ग्राफ्स की व्याख्या से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर होगा। इस प्रकार यह 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा। इसके अतिरिक्त आपका तालिका की व्याख्या पर आधारित 2 क्वेश्चन आएंगे, यह भी आपके 5-5 नंबर होंगे और आपका यह भी पेपर में 10 नंबर का आएगा। इस प्रकार मिला करके आपके पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनेंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप UP SSC के ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में PET के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट में को मैंने आपके सामने रखा है जो आपके लिए आवश्यक हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।